आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। अगर मैं गिरने और बजड़ने के चक्कर में मायूस हो जाता तो आज शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। नमस्ते, मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी है और मैं सफाई सेना का जनरल सेक्रेटरी हूँ। भले ही मैं मुश्किलों में पैदा हुआ था, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना और लड़ लड़ के मैं यहाँ तक आज पहुँचा हुआ हूँ। गांव हमारा बिहार में है और पिताजी हमारे खेती बाड़ी करते थे और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हम दिल्ली आए। जब मैं दिल्ली में आया तो हर जगह काम ढूंढे, लेकिन काम कोई ढंग का मिला नहीं। दिन में हम कूड़े का काम करते थे, कबाड़े का काम करते थे और रात को वॉचमैन का काम करते थे, जिससे हमारी 2 से 3 हज़ार रुपये महीने की इनकम बन जाती थी। रह दिल्ली में रहते, लेकिन ध्यान हमारा अपने परिवार पे था, गांव में था। हमें खुद को खड़ा करना था ताकि हम अच्छा अर्निंग कर सकें और अपने परिवार को संभाल सकें। तो हमने उस पैसे को जोड़ने का काम किया और वो पैसा जो हमने जोड़े, जिससे हमने 750 में एक साइकिल ली और साइकिल से फेरी लगाने लग गए, जैसे गत्ता, पेपर, टिन, इस तरीके का चीज़ हम खरीदने लग गए। और धीरे धीरे एक छोटा सा, जिसको आप स्मॉल जंग डीलर बोल सकते हैं, हमने उसका काम शुरू कर दिया और हमने 150 लोगों को जोड़ लिया था अपने साथ में। अगर वो पैसा हम नहीं बचाते तो नहीं मेरे पास साइकिल होता, नहीं आज हम यहाँ होते। मेहनत जो है हमारे जीवन की सच्चाई है, मेहनत पे ही हम जीते हैं। लेकिन जो कूड़े का काम करता है उनको कभी सम्मान नहीं मिलता है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण वो लोग हैं जो आपके घर से कूड़ा उठाता है। कम से कम आप उसे सम्मान तो दे सकते हैं, आप उनका अधिकार तो दे सकते हैं, लेकिन सम्मान भी लोगों को नहीं मिलता और अधिकार की तो बात ही नहीं करते हैं। एनजीओ के मदद से जो हम सीखे हैं, आज जो मैं काम कर रहा हूं उससे सिर्फ मैं अपना ही पेट नहीं भर रहा हूं, सरकार के करोड़ों रुपए बचा रहा हूं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद कर रहा हूं। और अगर हम लोग एकजुट रहें तो दुनिया के कोने कोने में अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। हम डेनमार्क, लग्जमबर्ग, ब्राजील गए और वहां बेस्ट के बारे में सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तान के तरफ से वहाँ पे अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा और लोगों ने सुना और समझा कि कूड़ा वाला अगर सेग्रीगेट नहीं करेगा तो वो रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है। देखिए, धन दौलत तो सारा दुनिया कमाता है, हमारा मकसद यही है कि कूड़े को लेके और कूड़े वाले लोगों को लेके दुनिया की नज़र बदले, ताकि एक अच्छा भविष्य आने वाले बच्चों को मिले, आने वाले समाज को मिले।